नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, क्योंकि लगातार 3-4 महीने से हम लगातार दिल्ली दंगों का अपडेट और न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस ने एक नया अपडेट दिया है और एक नई जानकारी दी है RTI के खुले ऑफिस से। उसने ये माना है कि हाँ, दिल्ली दंगों में वाकई ही एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाया गया था और भारी नुकसान पहुँचाया गया था। उसने संख्या बताई है, लेकिन कहाँ कहाँ पहुँचाया गया था इसकी जानकारी नहीं दी है। पूरी खबर पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हैं। देखिए, 23 फरवरी को जब भारत बंद का आंदोलन बुलाया गया, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर और NRCCA को लेकर तमाम प्रोटेस्ट चल रहे थे, उससे 2 महीने पहले से चल रहे थे, और उस वक्त भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आए हुए थे। 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास कुछ और लोग वहां पर आए, उनसे बहस की, जो लोग NRCCA का प्रोटेस्ट कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए तो मामला सुलझा, लेकिन उसके बाद कपिल मिश्रा वहां पर आते हैं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास ही बाबरपुर मौजपुर चौक पर, वहाँ आकर वो भाषण देते हैं। कहते हैं अगर ये लोग खुद से नहीं उठेंगे तो हम इनको ज़बरदस्ती यहाँ से उठाएंगे, हमारे लोग आएंगे उठाएंगे। और ये बयान इंटरनेशनल मीडिया ने खूब दिखाया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई कपिल मिश्रा पर नहीं हुई। उसके बाद उसी जगह पर रागिनी तिवारी, उसी जगह पर कुछ और चर्चित चेहरे जिन्होंने लाइव वीडियो की थी, उन पर क्या FIR हुई है, कोई गिरफ्तारी हुई है, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। और रागिनी तिवारी तो अभी तक आज़ाद घूम रही है। उसके बाद अगले दिन चांदबाग में हिंसा शुरू हो जाती है, एक कॉन्स्टेबल रतन लाल, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये हिंसा तमाम बढ़ जाती है और 53 लोगों की मौत हो जाती है इस पुलिस में। उसके अलावा जो वीडियो आप लोगों के सामने पहुँचे ऐसे कि उन लोगों के इतने हौसले बुलंद थे, वो मस्जिदों की मीनार पर चढ़ गए, वहाँ झंडा फहरा दिया उन्होंने सिलेंडर रखा मस्जिद के अंदर और आग लगा दी। ये तमाम वीडियो आप और हमने लगातार पिछले कई महीनों से लगातार देखते आए हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल एक शख्स ने RTI डाली दिल्ली पुलिस के लिए और पूछा कि कितने धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचा था, क्योंकि पहले एक आइडिया लगा रहा था, कोई कहता नहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वीडियो सबूत थे कि हाँ नुकसान हुआ, कितना हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, इस बात की तो पूरी जानकारी नहीं दी। हाँ, काउंटिंग की है कि 11 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा गया, जिसमें 2 मदरसे भी शामिल हैं और 2 अन्य धार्मिक स्थल हैं दूसरे धर्म के लोगों के। तो ये दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है। किसने जानकारी मांगी थी और किसने ये दी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, RTI से जो जानकारी मांगी है उस पर मैं बता देता हूँ। 8 मस्जिद 2 मदरसे 1 दरगाह और 2 मंदिर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मस्जिदों के हालात आपने देखी होगी, उस टाइम पर क्या हालात थे। बहुत सारी जगह इमाम के साथ भी मारपीट हुई थी, उनके चेहरे पे एक जगह था कि तेजाब भी डाला गया था, वीडियो हमने की थी, काफ़ी सारी न्यूज़ इस तरह की लगातार उस वक्त वायरल हुई थी। तो ये सारे ज़्यादातर इधर ही मुस्तवाद भजनपुरा के आसपास के इलाकों में ही ये सारे दंगे की घटनाएं हो रही थी उस वक्त, और ये माना जा रहा कि ये सारी मस्जिदें उधर ही होंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एग्जैक्ट लोकेशन देने से मना कर दिया, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है, लोगों में गुस्सा बढ़ सकता है। और बहुत सारे अधिनियम का हवाला दिया RTI का कि इसके तहत हम आपको एक्चुअल आपको बता नहीं सकते कहां कहां किसको नुकसान पहुंचा हुआ, लेकिन हाँ इतना नुकसान हुआ जिसमें आपको 8 मस्जिद 2 मदरसे 1 दरगाह और 2 मंदिर क्षतिग्रस्त बताए गए हैं। तो जिस शख्स ने ये जानकारी मांगी है उसका नाम है यूसुफ नकी। तो इसने दिल्ली पुलिस से RTI के जवाब में मांगा था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, दरगाह और मदरसों पर हमले होने, उनके क्षतिग्रस्त होने या जलने के बारे में जो पूछा था, उसके जवाब में जो रिपोर्ट सभी SHO NED की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मस्जिद 2 मदरसे और 1 दरगाह इसी जिले में क्षतिग्रस्त हुए थे। हालांकि जो ये आंकड़े हैं, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो रिपोर्ट है उससे थोड़े बहुत अलग हैं, उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हम भी ये मान के चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा नुकसान हुआ था। जिस वक्त तस्वीरें आई थी और काउंटिंग आ रही थी कि लोग बता रहे थे वीडियो में, मैं भी कहना नहीं चाहता क्योंकि वही बात होती है कि भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, लोग गुस्से में आ सकते हैं, उस वक्त बताया जाता था कि इतनी मस्जिदें इतनी अलग हैं। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक 19 मस्जिदें क्षतिग्रस्त हुई थी, 19 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया था, और अभी दिल्ली पुलिस ने जो RTI में कहा वो 11 का कहा और 2 उसमें मंदिर बताए जा रहे हैं। इस शख्स ने यह भी पूछा कि इन मामलों में कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, तो दिल्ली पुलिस ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो FIR दर्ज की है, 11 FIR दर्ज की गई है और जिसमें 31 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 7 लोग जमानत पर बाहर हो चुके हैं, यानी कि 31 लोगों को गिरफ्तार किया था, 7 जमानत पर छूट भी चुके हैं इन मामलों में, और बाकी हिंदू स्थल जो नुकसान हुए थे उस मामले में भी आरोप पत्र दाखिल किए गए थे और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये लोग जमानत पर रिहा नहीं है, ये अभी अंदर ही हैं, और पुलिस ने बाकी इनकी जानकारी देने से मना कर दिया कि कहाँ से ये लोग थे, बहुत सारी सुरक्षा का हवाले देते हैं, ये सारी चीज़ें मना की हैं।
कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो लिख रही हैं अभी भी कि ये हिंदू विरोधी दंगे थे। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान एक विशेष समुदाय का हुआ, सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल एक विशेष समुदाय के जले, और पुलिस ने दिल्ली लॉकडाउन के बीच में, जब लॉकडाउन चल रहा था पूरे देश में, लॉकडाउन के अंदर धड़ाधड़ गिरफ्तारी की है। इस पर बहुत सारे सांसदों ने भी सवाल खड़े किए थे कि आपने कई हज़ार गिरफ्तारी की है लेकिन आप बता रहे हैं 700 से 800। तमाम एक्टिविस्ट ने ऑनलाइन इस बात को उठाया था, मुद्दा बनाया था। सफूरा जरगर जो प्रेग्नेंट थी उनको यूएपीए कानून लगाकर जेल में डाल दिया गया था, हाल फिलहाल उनकी जमानत हुई है। हाँ, कुछ ऐसे मुख्य आरोपी बनाए थे दिल्ली पुलिस ने जिनको भी जमानत भी मिल रही है, जैसे राजधानी पब्लिक के जो मालिक थे, मालिक अबू फैजल, उनको भी गिरफ्तारी हुई थी उनकी भी, उनको बताया जा रहा था कि ये भी मुख्य आरोपी में से एक है, लेकिन उनको भी जमानत मिल चुकी है। हालांकि ताहिर हुसैन अभी भी जेल में बंद है, जो मास्टरमाइंड बताए गए हैं। उनके आगे क्या मामला नया आएगा वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन फिलहाल का एक बड़ा अपडेट था कि अब इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो उठाया गया था वो एक विशेष समुदाय के लोगों ने उठाया था। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगले अपडेट में आपसे मिलते हैं।